हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका पेपर हैकर चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपका चैप्टर है लंदन, जिसके राइटर है विलियम ब्लेक, उस चैप्टर का लास्ट स्टैंजा। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टैंजा पढ़ना। ठीक है, इन एवरी क्राई ऑफ मैन, प्रत्येक व्यक्ति के रोने में, मैन मीन्स व्यक्ति, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और प्रत्येक इन्फेंट मीन्स नवजात बच्चे, नवजात बच्चा जो है, नवजात बच्चे, उनके क्राई, उनके रोने का जो भय है उसकी, इन एवरी वॉइस, प्रत्येक आवाज में, इन एवरी बैन, और प्रत्येक प्रतिबंध में, द माइंड फॉरगेट मैनेकल्स आई हेयर, मैं इनके दबाव, इनके दिमाग पर जो दबाव है उसको सुन सकता हूं, इनकी बंदिशों को सुन सकता हूं। और ये बात कह रहा है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ठीक है, रेफरेंस पढ़ते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, ये जो लाइन्स हैं वो ली गई हैं पोयम लंदन, लंदन से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय विलियम ब्लेक, जो कंपोज्ड की गई हैं किसके द्वारा, विलियम ब्लेक के द्वारा, वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड पोएट्स ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशन, जो वन ऑफ द रिनाउंड, जो बहुत ज्यादा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, द ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण काल के व्यक्ति हैं। ठीक है, इन दिस स्मॉल लिरिक, उनकी इन छोटी सी स्मॉल लिरिक्स यानी कि पंक्तियों में ही है शैटर्ड द मिथ, उन्होंने इस झूठ को बिखेर दिया है कि शैटर्ड मीन्स बिखेरना, कि लंदन इज द मोस्ट प्रॉस्पेरियस एंड हैप्पीएस्ट प्लेस, जो लंदन है वो सबसे ज्यादा समृद्ध, वैभवशाली और खुशी वाला स्थान है। रेदर ही हैज पेंटेड अ वेरी ग्लूमी एंड डिसहार्टनिंग पिक्चर ऑफ द वाइड स्प्रीड एविल्स, जबकि उन्होंने पेंटेड, उन्होंने देखा है, उन्होंने बनाया है अ वेरी ग्लूमी, एक वैभवशाली एंड डिसहार्टनिंग, दिल को तोड़ देने वाली, उन्होंने पेंटेड यानी कि देखी है ग्लूमी, बहुत ही वैभवशाली और डिसहार्टनिंग, दिल को तोड़ देने वाली, दिल को चूर चूर कर देने वाली, यानी कि दोनों तरीके की उन्होंने पिक्चर्स देखी है लंदन की, ऑफ द वाइड स्प्रीड, फैली हुई गलियों की, एविल्स, एविल्स मीन्स जो बुरे लोग हैं, एंड बुराई है जो, एंड सोशल इनजस्टिस, और जो सामाजिक अन्याय है, एंड एक्सप्लोइटेशन, और जो शोषण है, उन्होंने लंदन के अंदर दोनों स्थितियां देखी हैं, जो ग्लूमी है, लुभावनी है, स्वाभाविक है, और दिल को तोड़ देने वाली भी है, जहां पर फैली फैली हुई है एविल्स, बुराई फैली हुई है, और सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और शोषण भी फैला हुआ है। ही टेल्स दैट, आता है कि वंस, एक बार, ही वाज मूविंग, वह गुजर रहा था नियर द रिवर, नदी के पास से, थेम्स, नदी का नाम क्या है, थेम्स, वेयर ऑल द मैन, जहां पर सभी व्यक्ति जो लोग हैं, सीम्ड टू बी फुल ऑफ ग्रेट फ्रस्ट्रेशन, जो दिख रहे थे किससे भरे हुए थे, वो निराशा से, फ्रस्ट्रेशन मीन्स
निराशा से भरे हुए थे. दे वर वीक एंड मिजरेबल, वो कमजोर थे और कैसे थे, दुखी थे. एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. इन दीज लाइन, इन लाइनों में वी फाइंड द हर्ट ब्रोकन मैन इन द इंग्लिश सोसाइटी. इन लाइनों में हम ढूंढ पाते हैं, हम देख सकते हैं द हर्ट ब्रोकन मैन, जो टूटे हुआ दिल का या टूटा हुआ जो व्यक्ति है. हर्ट ब्रोकन मैन का मतलब यहाँ पे दिल का टूटा हुआ व्यक्ति से मतलब दिल का टूटा हुआ व्यक्ति नहीं है, मतलब वो निराशा से पूर्ण है, उसको कोई भी आता नजर नहीं आ रही है. इन इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी में वो देखता है. नॉट ओनली मैन, न केवल व्यक्ति लोग ही, बट इवन द चिल्ड्रन बच्चे भी, एंड वुमेन और महिलाएं भी, वर आल्सो महिलाएं भी थी. द इक्वल विक्टिम्स ऑफ दिस इनजस्टिस, ना केवल जो मनुष्य हैं वो, जब बल्कि बच्चे भी और महिलाएं भी विक्टिम्स थे ऑफ दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के, और साक्षी थे. विक्टिम्स मीन साक्षी थे, गवाह थे ऑफ दिस इनजस्टिस, अन्याय और एक्सप्लोइटेशन, शोषण के. द क्राई ऑफ चिल्ड्रन, जो रुदन है, रोना है बच्चों का, क्रिएटेड अ थ्रिल, एक रोमांच क्रिएट करता है. एंड अननोन फियर इन आवर हार्ट, और एक अनजान सा डर हमारे हृदय में पैदा करता है. द साउंड ऑफ हैंगमैन, जो बिखरा हुआ टूटा हुआ व्यक्ति है उसका जो साउंड है, उसकी जो आवाज है. एंड चाइल्ड वाज नथिंग, और बच्चे की जो आवाज है, वाज नथिंग कुछ भी नहीं थी, बट लेकिन सिंपली साधारण रूप से अ क्राई ऑफ पेन, रोना था किसका, दर्द का, एक रुदन था दर्द का. एवरीबॉडी वाज इक्वली कन्फाइंड, प्रत्येक व्यक्ति जो था वो इक्वली कन्फाइंड, बंधा हुआ था बंदिशों में. एंड बाउंड बाय द चेन्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, और सामाजिक, सामाजिक जो अन्याय है उसकी बेड़ियों से बंधा हुआ था. चेन्स मीन बेड़ियों से. द रिच मैन एंड दोज, जो अमीर लोग हैं, एंड दोज और वो, इन अथॉरिटी क्रश देम एंड इम्पोज ऑल देयर पावर, जो रिच मैन है और उनके साथी जो हैं, इन अथॉरिटी उस समाज में, क्रश देम, उन्होंने उनको क्या कर दिया है, क्रश कर दिया है, धराशायी कर दिया है. एंड इम्पोज ऑल देयर पावर, और थोप दी है अपनी सारी शक्तियां, टू मेक देम मिजरेबल, उनको दुखी बनाने में लगा दी है अपनी सारी शक्तियां, गरीब लोगों को और दुखी बनाने में. एंड दे सफर हेल्पलेसली, और वे गुजर रहे हैं किससे, निराशा से, कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं है. द लाइन रिवील द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी, जो ये लाइन है वो रिवील कर रही हैं, बता रही हैं द रियलिस्टिक पिक्चर, सच्ची पिक्चर ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश समाज यानी ब्रिटिश समाज की असली पिक्चर्स को दिखा रही हैं. विच वॉज बैडली रियून, जो बुरी तरीके से नष्ट की जा चुकी हैं, अंडर द बर्डन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकीकरण के रूप में नष्ट की जा चुकी है. ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश सोसाइटी है उसकी जो परंपरा है या जो भी उसकी जो भव्य चीजें थी वो नष्ट हो गई हैं, किसके कारण, औद्योगिकीकरण होने के कारण,
मशीनों के आ जाने से जो मनुष्य है उनके हाथों का यूज कम हो रहा है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, गरीबी से लोग मर रहे हैं, ये यहाँ पर पोएट बताना चाह रहा है, और किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, चाहे वो गरीब बच्चे हो, लोग हो, महिलाएं हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये हमने आज अपना चैप्टर खत्म कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने साथियों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।